साथियों, भाजपा की सरकार देश के किसान के लिए, देश के जवान के सम्मान के लिए समर्पित है। किसानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले भारत की कृषि नीति और अपनी छाप छोड़ने वाले सर छोटू राम जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे कुछ महीने पहले ही मिला था साथियों। लेकिन यहां इसी धरती से कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक मंच से एक नेता ने कहा कि जो भी देश के गद्दार है उन्हें अंग्रेजों ने सर की उभाति दी थी। भाइयों बहनों, उसके बाद उनके एक और बड़े नेता ने इसका समर्थन किया। क्या मेरे हरियाणा के लोग सर छोटू राम के इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम कर अब स्वीकार करेंगे क्या? अरे सर छोटू राम जैसे हमारे नायकों के आशीर्वाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प पूरा करने वाले। पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हमने ये संकल्प लिया है कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब फिर एक बार तब हरियाणा के हर किसान परिवार के खाते में हर वर्ष साल में 3 बार सीधी मदद पहुंचेगी। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान हैं, खेत मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको 60 साल के बाद नियमित पेंशन भी मिलेगी।